स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले एनीमोमीटर, जिसका यूज करते हैं हम लोग विंड स्पीड को पता करने में। जब हवा इस तरीके से इस साइड से आती है तो इस तरीके से घूमने लगता है। नॉर्मली इसके रोटेशंस को कैलकुलेट करके कन्वर्ट किया जाता है मीटर पर सेकंड में। तो जब जनरली नॉर्मली मान सकता है 0.1-0.2 मीटर पर सेकंड नॉर्मली विंड स्पीड होती है, जिसमें हल्का हल्का से घूमता रहता है। ये एनीमोमीटर साथ में ही स्पीड को के साथ साथ डायरेक्शन को भी बता सकता है। अगर हवा इस साइड से आ रही है तो जनरली इस साइड से घूमेगा, और हवा इस साइड से आ रही है तो ये जनरली इस साइड से घूमेगा। इस तरीके से बहुत ही यूजफुल होता है।